अच्छी अच्छी बातें सिखाया करें, ये मंजन वंजन का बेचना ये मंजन तो बहुत अच्छी चीज है, सुबह कर लें तो मुंह से बदबू नहीं आती, पुराने जमाने के लोग करते थे, अभी पेस्ट आया है। जी बेटा शाबाश, और आइंदा भी ख्याल रखना। बहुत अच्छा अम्मी, थैंक यू बेटा। अम्मी मुझे टाइम दीजिएगा, जरूर टाइम मिलेगा। हो जाते मैं रूलिंग दे रही हूँ, अगर हम नहीं पूछेंगे तो कौन बिजनेस जाएगा इस सेंटी में। मैं तो रूलिंग दे रही हूँ, मैं रूलिंग दे रही हूँ, और आप कह रही हैं कि आप बात कर रही हैं। मैं रूलिंग दे रही हूँ बेटा, बेटा, बेटा। अम्मी जान। जी बेटा। You are listening some voices or not? यकीन माने मेरी जबान भी फिसल जाएगी और फिर वो कुछ होगा यहाँ हिशीशे पर भी होगा और ऐसे ऐसी। संसद में चुमा चाटी के बाद एक पुरुष सांसद ने नुसरत अब्बासी को अकेले चैम्बर में मिलने को बुलाया, उसके बाद क्या हंगामा हुआ आप खुद देखिए। ये तो मैं पढ़ूंगा। अच्छा अब आप जरा प्लीज सुन लें जरा। या मेरे चैम्बर में आ जाए, वहाँ पढ़ के बता दूं। चैम्बर बुलाने में अपनी माओ बहनों को बुलाएं आप। आप जो जिस तरीके से बात नहीं, करते हैं ना, नुसरत साहिबा, कोई सीनियर मेंबर खड़ा होकर हमारे अपने। और अगर खवातीन यहाँ की इतनी शोर कर रही है तो आप लोग भी इकट्ठे होकर इन्हें जवाब दे सकते हैं। बहुत हो गया है, मैंने बिल्कुल हजफ कराया है जब आप चीख रही थी। मैं सार्जेंट एट आर्म्स को जहमत दे सकती हूँ, मैं जहमत देती हूँ आपको कि इन्हें आउट कर दे। एक जूते दिखाए डर, आप पलट के देखे, आप लोग को क्या ये तमीज होती है पार्लियामेंटेरियंस की कि जूता दिखाया जा रहा है? ये तरीका नहीं है कि जूता दिखाया जा रहा है। देख रही हम लोग चादरें क्यों लेकर आते, ये कोट क्यों पहन कर आते? वो हमारी एक मेंबर बीमार हो गई है, इतने तेज एसी क्यों चलाते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग यह ठंडे हो जाए। साहिबा हम लोगों को अगर दर्द है, ओवर हो गया, अगर दर्द है यहाँ, यहाँ एक मेंबर कह रही थी हब्स हो रहा है, एसी बंद है, हमारा दम घुट रहा है, शर्म आनी चाहिए आपको। मुझो सिंध है मुझी धरती माँ, रियासत माँ है, हाय पई पए पर हाय काथे थी पए, हाय तसाजी सिंध ते थी पए। मेरी सिंध का जो हाल हुआ है, उस सिंध के हाल के लिए 11 साल का जवाब दो, 100 दिन का जवाब मांगते हो, मैं तुमसे सिंध का 11 साल का जवाब मांगती हूँ। मैं तुमसे 35 अरब से 150 अरब का जवाब मांगती हूँ। इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर पैसा नहीं है, यहाँ हमारा जितना सिंध का पैसा था वो चला गया है करप्शन की नजर। मैं थोड़ी कह रही हूँ, ये तो ऑडिटर जनरल साहब ने कहा कि 15,000 अरब से ज्यादा जो बजट आया था वो सारा चला गया करप्शन की नजर। उसमें गुटखा खाना, च्यूइंग टबैको और च्यूइंग गम खाना अलाउड नहीं है, तो काइंडली डोंट डू इट। इलायची नासिर शाह साहब ने दी थी, वो हम खा रहे थे, शाह साहब ने इलायची दी थी। सिंध असेंबली के इजलास में अरकान यूं एक दूसरे से मिले जैसे कब के बिछड़े हों। खासकर पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असेंबली नईम खरल ने तो हद ही कर दी। इजलास से कबल इन्हीं की पार्टी की एमपीए कुलसुम चांडियो ने इनसे पुर जोश मुसाफा किया, मगर नईम खरल के जोश और जज्बे ने इन्हें इस कदर परेशान किया कि कुलसुम चांडियो को जबरदस्ती हाथ छुड़ाना पड़ा। इजलास शुरू हुआ फिर आधे घंटे बाद ही मुलतवी हो गया, मगर मंजर एक बार फिर वही था। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर कम और हुंडा ज्यादा लग रहे थे। हुंडा लफ्ज नहीं मौलाना साहब यूज करें, एक्सपंच कर दें जी। अच्छा जी, ये एक्सपंच कर दें जी। एक्सपंच हो गया है तो प्राइम मिनिस्टर कम बदमाश ज्यादा लग रहे थे। बदमाश भी जी, एक्सपंच ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें मौलाना साहब प्लीज। प्राइम मिनिस्टर कम और दहशतगर्द ज्यादा लग रहे थे। दहशतगर्द भी प्राइम मिनिस्टर के लिए अच्छे अल्फाज हैं। प्राइम मैं कोशिश करूंगा कि मैं इमरान अली खान न्याजी कहा करूंगा, कहा करूंगा। दूसरा, किसी ने नहीं कहा आपको कि आप हमला कर दें, अगर आपने करना है तो आपकी अपनी मर्जी है, मैंने तो आपको कहीं नहीं कहा। काइंडली डोंट पुट दीज वर्ड इन माय माउथ। जी मैम, ये आपके हाथ में क्या है और कोई अहम ऐलान करने जा रही है? अभी आपने सीढ़ियों पे धरना भी दिया, आइंदा का लाया अमल क्या है और इस बोतल में क्या शरबत लेकर आएंगे क्या? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सूंघ लें, इसको देख लें, आप सूंघे क्या चीज़ है ये? बस अरबाब ने सूंघ लिया। ये पेट्रोल है और खुदा की कसम खाती हूँ, अपने बच्चों की कसम खाती हूँ मैं, कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला, बिलावल जरदारी साहब, बख्तावर साहिबा और आसिफा साहिबा, आपको अपनी माँ की तरफ से इंसाफ नहीं मिला, मेरे बच्चे आपसे इंसाफ मांग रहे हैं। मैं भी एक माँ हूँ,
मुझे जिस तरह से अब्यूज किया गया, मुझे जलील व ख्वार किया गया, दो दिन से पूरी दुनिया में मैं जलील व ख्वार हो रही हूँ और मुझ पर दबाव है माफी का, तो क्या मैं ऐसे शख्स को माफ कर दूं जिसने इस तरीके के जुमले मुझे कहे? जो काम करने वाली खवातीन जो अपनी वर्क प्लेसेस पे जाती हैं और उनको इस तरीके से अब्यूज की जाता है, जलील व ख्वार किया जाता है और उनकी सियासत उनके काम से उनको रोक दिया जाता है। मुझे मेरे काम से रोका जा रहा है, मेरी सियासत खत्म की जा रही है, मुझ पर प्रेशर है मेरे खानदान का कि अगर उसको सजा नहीं मिली तो तुम घर बैठ जाना, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, फिर इस तरीके के वाकयात होते रहेंगे। तो मेरी आप लोगों से दरखास्त है, मैं पूरी सिंध, पूरे पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर जितने लोग, माएं, बहनें, बेटियां, वो बागैरत जो भाई और बहन है, बाजमीर लोग देख रहे हैं और वो सब लोग इस वक्त मेरे साथ हैं। अब ये मेरे घर का मामला नहीं है, हर घर का मामला है। सबकी डिमांड यही है कि इमदाद पिताफी को उसकी सीट से बरतरफ किया जाए, उससे उसकी वजारत छीनी जाए। अगर नहीं छीनी गई, मैं दो दिन का टाइम देती हूँ, खुदा की कसम मैं इसी असेंबली में वो मिसाल कायम करूंगी। आपको मैं यहाँ से वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल दूंगा आपको, करके दिखाएं। आप आराम से बैठे, आप नहीं बैठते, इनको यहाँ से निकाला जाए आज के दिन, पूरा दिन, पूरे दिन आज इनको यहाँ से, इनको यहाँ से निकाला जाए। आप निकले यहाँ से, आप पूरे यहाँ पे आ जा, नहीं आप बैठ सकते हो, आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते हैं। मैं आपको एज ए स्पीकर कह रहा हूँ कि आप यहाँ से जाएं बाहर, आप यहाँ से बाहर जाएं, इनको सर्जन साहब इनको बाहर लेकर जाएं, यहाँ से बाहर जाएं आप, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा, आप बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लग गए हैं, आप इनको बाहर निकाला जाए आज, इनको इस पूरे इस सेशन में यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं ये। आप यहाँ से जाएं बाहर, निकले हाउस से, हाउस से बाहर जाएं आप। दोस्तों, अगर आपने हमारी ये कॉमेडी सीरीज नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। इसमें आपको पाकिस्तान की कॉमेडी इंग्लिश, पाकिस्तान के ठरकी नमूने, पाकिस्तान के जेट को चालू करने के लिए देना पड़ रहा है धक्का और ऐसे बहुत सारे मज़ेदार वीडियो आपके लिए हम लेके आए हैं। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक ज़रूर करना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको कौन सी वीडियो देखने ज़्यादा पसंद है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हम आपके डिमांड का ध्यान रखते हुए आपके लिए मज़ेदार वीडियो लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।